आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शर्मा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं और गणित का पेपर पूर्णांक 80 समय 3 घंटे का पेपर आ चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं, कुल मिला के 23 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। किसी अरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैड डैश क्या होगा? तो ए डैड डैश क्या होगा दोस्तों? ए, यदि ए तथा बी दो समुच्चय है तथा ए क्रॉस बी इजिकल टू बी क्रॉस ए है, और केवल यदि सम्मिश्र संख्या आई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? एन सी एन का मान क्या होगा? और यहाँ पे दोस्तों इसका मान एन हो जाएगा। ए प्लस बी की घात एन के प्रसार का व्यापक पद है। श्रेणी 2, 4, 8 डैश का आठवां पद कौन सा हो जाएगा? इसमें दोस्तों आठवां पद पूछा है, तो दोस्तों ए एन इजकल टू ए 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का सोल्यूशन मिलेगा आपको सीधे आपके व्हाट्सएप नंबर पे। बस अपने फोन में व्हाट्सएप का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन करके जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 IIT JEE मेंस, नीट, CBSE एंड अदर स्टेट बोर्ड्स सभी के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए डाउट नोट के 8400400400 व्हाट्सएप नंबर पर अपना डाउट सेंड कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम को खोलना है, इसके सर्च बार में जाना है और यहाँ पे डालना है शर्मा ऑनलाइन स्टडी। शर्मा ऑनलाइन स्टडी डालोगे तो दोस्तों इस प्रकार का, ये दोस्तों हमारा पुराना चैनल था जैसा सर्च रिजल्ट में आ रहा है, लेकिन दोस्तों चैनल हमारा हैक हो चुका है, अब मैं इस पर एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। जो नया चैनल है जिसके 656 मेंबर है, आपको इस पर क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे जितनी भी वीडियोस है वो यहाँ पे डालते रहते हैं। ये देखिए दोस्तों पेपर्स वगैरह हम यहाँ पे डालते रहते हैं, तो इस वीडियो ये यहाँ पे चैनल पे जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो यहाँ पे ये टी एन होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हो जाएगा टी 8 बराबर ए आपका 2 है, एन आपका 8 का पूछा है, 8 माइनस वन और यहाँ पे 2। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 7 × 2 = 14, तो ये हो जाएगा 16, इसका उत्तर आ जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त समुच्चय में अवयव की संख्या डैश होती है यदि एन ए इजिकल टू पी है तथा एन बी इजिकल टू क्यू है, तो एन ए क्रॉस बी का क्या मान होगा? सम्मिश्र संख्या टी प्लस आठ का संयुग्मी होगा। यदि एन सी एन एन सी 12 इजिकल टू एन सी 1 है तो एन का मान क्या होगा? तो दो धनात्मक वास्तविक संख्या ए और बी का समांतर माध्य होता है डैश, दो रेखाएं जिनके ढाल M1 और M2 है लंबवत यदि M1 इंटू M2 इज इक्वल टू डैश हो। वृत्त x² + y² = 4 का क्या केंद्र है? ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में आपको यहाँ पे देख सकते हैं A यूनियन A डैश, A इंटरसेक्शन A डैश, टेन 75 डिग्री, cos 2θ 1 डिग्री, 180 डिग्री इसका बताना है। 180 डिग्री का ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और आपको यहाँ पे सारा का सारा आंसर आपको करके दिखाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सारा का सारा करके दिखाना है। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, समुच्चय 1, 2, 3 के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 30 डिग्री को रेडियन माप में लिखिए और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक वीडियो पे, एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, जैसे ही वीडियो पे 500 लाइक हो जाएगा इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सत्य सत्य, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी अथवा घटाई जा सकती है। वह क्षेत्र जिसमें किसी असमीका के संपूर्ण हल स्थित हो उसे असमीका का हल क्षेत्र कहते हैं।
ए प्लस बी की घात एन के प्रसार प्रसार में प्रत्येक पद में ए तथा बी की घात अंकों का योग एन स्क्वायर होता है। एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को वाई जेड तल कहते हैं। एक्स बराबर जीरो पर साइन एक्स के अवकलज का मान एक है। एक एचर वास्तविक संख्या ए के लिए अचर फलन एफ एक्स बराबर ए का अवकलन शून्य जीरो है। प्रश्न क्रमांक नंबर 6 है, यदि ए इज इक्वल टू 1/2 ए 1/2 बी इतना तो ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1a 1b 1c और 2a 2b 2c। ठीक है फ्रेंड्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा जी एक्स इतना है तो एफ प्लस जी एक्स का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे इसमें दिया है एफ प्लस जी एक्स का एक्स, ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है। यदि यदि एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 है तो एक्स और वाई का मान क्या है। तो साधारण सी बात है दोस्तों, एक्स प्लस 1 बराबर 3 है तो एक्स बराबर 2 हो जाएगा और वाई माइनस 2 बराबर 1 है तो वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 एंड 3, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। ए क्रॉस बी इतना है तो ए बी का मान ज्ञात करना है आपको, ए क्रॉस बी इतना है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। आगे है प्रश्न क्रमांक नंबर 8, 40 डिग्री 21 40 रेडियन 21 डिग्री का रेडियन में बदलना है दोस्तों, 40 डिग्री 21 मिनट को रेडियन में बदलना है। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन के माप का कोण बनाएगा। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक नंबर 17 है, साइन 31 पाई बाई 3 का मान आपको ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कोस 7x प्लस कोस 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x इज इक्वल टू कोट एक्स। यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस x/10 फैक्टोरियल है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। अलाहाबाद शब्दों के अक्षरों से बनने वाली क्रमचियों की संख्या बतानी है। ना भी 2 0 और नियता x बराबर माइनस 2 वाले परवलय का समीकरण आपको ज्ञात करना है। दोस्तों हमें याद है यहाँ पे एक पेज छूटा हुआ है, उस पेज को भी हम आपके लिए कराएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपसे हमारी इतनी विनम्र विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हर एक वीडियो हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रदान करते हैं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो एक वीडियो पे आप लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। थोड़ी देर बाद में इस पेपर का जो फोटोज़ है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाए। अगला क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 की नाभिलिम्ब जीवा की लंबाई ज्ञात करें। प्रश्न क्रमांक नंबर 20 है, 2 - 3 आयटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 5 + √2 आयटा अपॉन 1 - √2 आयटा को ए प्लस आयटा बी के रूप में व्यक्त करना है। उस समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका के वा पद 5k+1 हो। ऐसी 6 संख्या ज्ञात करनी है जिसका 3 जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अंक अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। प्रश्न क्रमांक नंबर 22 है, -2 6 और 4 8 बिंदु को मिलाने वाली रेखा 8 बार है और x 24 है, लंब है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। समांतर रेखाओं 15x + 8y - 34 15x + 8y + 31 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। निम्नलिखित आंकड़ों में माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है और यह है आपका आंकड़ा, इसमें माध्य विचलन ज्ञात करना है आपको। दोस्तों हमें पता है कि आपने 7 से 8 क्वेश्चन नहीं कराए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, हमारे पास में पूरा का पूरा पेपर है। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, बस एक वीडियो को इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर कमेंट हमको मोटिवेशन प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।